नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जीडी भार्गव है। मैं प्रेजेंट करता हूं आवर ब्रेन आवर लाइफ को, काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड वेलनेस सेंटर। आज हम बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन को हम 3 स्टेप से कैसे भगा सकते हैं, और उस डिप्रेशन को जिसके लिए इतने लोग परेशान हैं। अगर आपने मेरा दूसरा वीडियो देखा हो तो आपने एक चीज नोट की होगी कि 10 लेडीज में से 1 लेडीज को डिप्रेशन है और 20 आदमियों में से 1 आदमी को डिप्रेशन। तो ये इतना ज्यादा फैला हुआ है, इससे क्या इंपैक्ट आते हैं आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हो, वो अवेलेबल है यूट्यूब पे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 3 स्टेप की, और आपको ये 3 स्टेप बिल्कुल फुल प्रूफ है। अगर आपने ये 3 स्टेप फॉलो किए तो आई अश्योर यू कि आपको डिप्रेशन छू नहीं सकता। जहां जहां आप पांव रखेंगे भाग जाएगा वहां से, ठीक है। और अगर किसी को ये लगे कि नहीं, उसके बावजूद मेरे पास डिप्रेशन हो गया, तो बिल्कुल बेधड़क आप मेरे पास आ सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो पे अवेलेबल हैं, मैं उनका फ्री में 100% फ्री में इलाज करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है किसी को डिप्रेशन नहीं होगा अगर वो ये 3 स्टेप फॉलो करता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं जर्नी को। और इससे पहले मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने अभी बताया आपको फैला हुआ है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें उन लोगों से कम जिन लोगों में आपको लगता है ये प्रॉब्लम है, ताकि वो इसका निवारण कर सके। तो मेरी रिक्वेस्ट है कम से कम सोशल एक हेल्प करेंगे आप उन लोगों से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहली, अगर हमें डिप्रेशन को भगाना है, बिल्कुल दौड़ा देना है अपने पास से दूर, तो जो पास्ट है उसको हमने कैरी नहीं करना, भूतकाल को बिल्कुल कैरी नहीं करना, क्योंकि पास्ट में कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो अच्छी हुई होगी या बुरी हुई होगी, वो दोनों ही चीजें भूत बनकर सर पे बैठ जाएंगी। इस दुनिया में कोई है जो भूत को अपने सर पे कैरी करना चाहता है? आप मानते हैं? कोई भी ऐसा आदमी, एक आदमी ढूंढ के ला दीजिए तो आप क्यों कैरी कर रहे हैं? बिल्कुल आसान तरीका, कोई भी भूत में काल में जो भी हुआ है, पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ है, उसको आप भूल जाइए, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप प्रेजेंट में वो हो चुका है। अगर वो अच्छा हो गया है, और मान लो किसी वजह से आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे लेकिन वो बिजनेस डाउन हो गया है, कोई बात नहीं, दोबारा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो डाउन हुआ है, कोई प्लस माइनस रहे होंगे, उन पे आप काम करिए, बट उसको याद मत करिए बार बार। जितना आप याद करेंगे उतना ही आप ट्रबल में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे बार बार। दूसरा, हो सकता है पहले आपका पास्ट अच्छा ना रहा हो, लेकिन आज आपने अच्छी तरक्की कर ली हो, आपने मेहनत की, आपने एक मुकाम हासिल कर लिया हो, तो भी उसको बार बार याद करके फियर क्रिएट होगा। तो दोनों ही चीज नहीं करनी। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक सज्जन आए थे सेशन लेने, उन्होंने कोई एक प्लॉट खरीदा था जिसकी कीमत मात्र 1 करोड़ रुपए थी उस जमाने में। वो धीरे धीरे रेट बढ़ गया, आपको मालूम है प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं, वो बढ़ के 4 करोड़ हो गए। लेकिन फिर वो प्रॉपर्टी डाउन आई, और जब उन्होंने वो बेचा तो वो 3 करोड़ में बिका। तो उनको ये लग रहा था कि मेरे को 1 करोड़ का लॉस हो गया। अब आप नॉर्मली सोचिए, क्या उसको 1 करोड़ का लॉस हुआ या 2 करोड़ का फायदा हुआ? आपको अच्छे से मालूम है कि उसको 2 करोड़ का फायदा हुआ, लेकिन वो यही सोचता रहा कि मैंने अगर उसको तब बेचता जब वो 4 करोड़ का था तो शायद मेरे को 1 करोड़ का फायदा हो जाता। सोचते रहो, सांप निकल गया लकीर पीटते रहो, नहीं करना ऐसा। तो पहला, गतम न सोचा, जो हो चुका है उसको याद नहीं रखना बिल्कुल, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। सेकंड, किसी पे आपने एहसान किया, जिसको बोलते हैं संस्कृत में कृतम न मनने, आपने किसी पे एहसान कर दिया, उसको बिल्कुल याद मत करो। क्योंकि जब आप एहसान कर रहे हो, क्या आप ये सोच के एहसान कर रहे हो कि आपको उससे फायदा उठाना है? तो एहसान नहीं है, फिर तो स्वार्थ है, फिर तो गिव एंड टेक है। आप पहली बार उसे बता दो कि मैं आपका ये फायदा कर रहा हूं, मुझे आपसे ये फायदा चाहिए, तो उसे एहसान में क्यों काउंट कर रहे हो? आप एहसान में भी काउंट कर रहे हो, और एहसान के अलावा क्या कर रहे हो? उसका जता भी रहे हो, तो उसको जताना नहीं है कभी। कृतन न मनने, बिल्कुल नहीं जताना, जो आपने करा उसे भूल जाइए। अब वो 2 चीजें हो सकती हैं उसमें, कि आपने जो किया उसका फल आपने कोई पुण्य कमाने के लिए किया, तो डेफिनेटली उसका फल जरूरी नहीं उसी आदमी से आएगा, कहीं और से भी आ सकता है, ठीक है। और अगर आपने अपने जस्ट सेक ऑफ, जैसे हमारे पास कोई पैसे हैं हमने दे दिए किसी को, या हमारे पास कोई ज्ञान है हमने बांट दिया,
ठीक है, आपका इंटरेस्ट था आपने बांट दिया, आगे चलिए। जब आप पे दोबारा होंगे दोबारा बांट दीजिएगा किसी और को, ठीक है ना। आपको उसको कभी एहसान में नहीं जताना, नहीं तो आपको रोज, आपने अपने घर में, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको लग रहा होगा कि नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, आप बार बार यही सोच के बार बार डिप्रेशन में जाते हो। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपसे, जैसे आपके घर में सुबह की आप चाय पी रहे हो और वाइफ ने बोला देखो मैंने मेड को नए कपड़े दे दिए, मेरे नए मीन्स उसने यूज कपड़े दिए हैं बट उसको नए लग रहे हैं, और वो कल से छोड़ गई, परेशान है वो, क्यों छोड़ गई, मेरे मैंने उसे कपड़े इसलिए दिए थे क्या वो छोड़ जाए, ये सारे प्लस एंड माइनस घूम रहे हैं उसके दिमाग में और आप परेशान हो रहे हैं यार अब दे दिए क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई क्योंकि वो बार बार उसको एहसान काउंट कर रही है और उस एहसान के बदले में कुछ चाहिए। तो अगर हमें एहसान करना है तो हमें नहीं चाहिए कुछ, और अगर हम चाहिए तो हम बड़ा क्लियर बोल सकते हैं कि हम किसी को पैसे दे रहे हैं, भाई मेरे को 15 दिन में चाहिए, 1 महीने में चाहिए, तो दैट्स अ ट्रांजेक्शन नॉट द एहसान। तो कृतज्ञ मन किए हुए एहसान को कभी याद नहीं रखना। और तीसरा, ये एक बहुत खतरनाक चीज है, हिंदुस्तान में ज्ञान तो फ्री में बट रहा है, द्वाभ्या तृतीयो न भवामि, जब दो लोग आपस में बात कर रहे और वो दो लोग कोई भी डिस्कशन कर रहे हो, जब तक वो आपको इनवाइट ना करें आपको नहीं जाना, उसमें जाना ही नहीं। जितना आप उसमें जाएंगे आपका बर्डन बढ़ जाएगा, आप परेशान होंगे, और उस परेशानी में अगेन आप डिफरेंट थॉट प्रोसेस में चले जाएंगे और फिर डिप्रेसिव मोमेंट्स में जाएंगे, ठीक है। हमें नहीं जाना। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं बहुत छोटा सा आपको, कि एक दुकान थी पकोड़े की, दुकान पे पकोड़े बना रहा, वहां दो बिजनेसमैन आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि बिजनेस नीचे है, डाउन है, ये है, गवर्नमेंट को ये पॉलिसी बनाए तो अपने को बिजनेस में फायदा, बिकॉज दे आर द बिजनेसमैन, दे आर वर्किंग। और वो वहां क्यों खड़े थे, क्योंकि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। तो उन्होंने सोचा चलो खड़े होकर पकौड़े खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं। वो वहां बाहर खड़े थे कि ड्राइवर बदल रहा था और कम से कम 50 लाख की गाड़ी में थे। जस्ट अज्यूम करिए ऐसे लोग खड़े हैं एक पकौड़े वाले की दुकान पे। सडनली पकौड़े वाले ने बोलना शुरू किया ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक नहीं है, मजा नहीं दे रही गवर्नमेंट, इसको ऐसा करना चाहिए, मेरे से कोई पूछे मैं प्रधानमंत्री को भी गाइड कर सकता हूं। भाई तू तो पकौड़े पे फोकस कर, तेरा कोर फोकस एरिया वही है। जब हम जबरदस्ती किसी को सलाह देते हैं तो हमारा कोर फोकस एरिया हट जाता है। आज मैं डॉक्टर हूं साइकोलॉजी का, अगर मैं कल किसी के सर की दर्द की दवाई देने लग जाऊं तो मुझसे अच्छा समझदार आदमी नहीं होगा, राइट। वी शुड नॉट डू दिस, वी शुड अंडरस्टैंड कि हमारा फोकस क्या है और उस फोकस से हमें आउटपुट क्या चाहिए। तो दो लोग जो बात कर रहे हैं हमें उस पर काम तभी करना है जब हमें इन्वाइट किया जाए, और हमें यह भी देखना है कि वो हमारे मतलब की चीज है या नहीं, हो सकता है हम उसमें एक्सपर्ट हो या ना हो। तो जो दो लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल नहीं जाना भाई, बिल्कुल ज्ञान नहीं बांटना, अदरवाइज आप फिर डिप्रेशन में जाओगे। और इससे क्या क्या बीमारियां होती हैं, हमें लगता है ये सारे सिम्टम मैं बता रहा हूं, मैं एक दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरे सिम्टम लिखे हैं, बट मैं मोटे मोटे 2-3 सिम्टम आपको बता देता हूँ। बॉडी में पेन, सर्वाइकल, माइग्रेन और कभी कभी थायराइड भी हो जाता है। बीपी और शुगर तो गिफ्टेड है, क्योंकि उससे चिंता बढ़ जाएगी और चिंता बढ़ेगी तो आपको ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो 3 चीजें आज मैंने इस वीडियो में बताई हैं, आपको ये 3 चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। क्या क्या? 1, पुरानी बातों को, पास्ट को याद नहीं करना। दूसरा, किए हुए एहसान को याद नहीं करना है। तीसरा, जब दो लोग बात कर रहे हो तो आपको जाके बीच में बिना बुलाए ज्ञान नहीं बांटना है, ठीक है। और अगर ये 3 चीजें आप करते हैं तो आई अश्योर यू आपको डिप्रेशन होगा ही नहीं लाइफ, यू आर डिप्रेशन फ्री, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें जरूर बताएं, हमसे शेयर करें कमेंट में, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो भी शेयर करें, हम आपको रिप्लाई देंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको जरूर शेयर करें, जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था जिन लोगों को इसकी जरूरत है, आप इससे हेल्प करेंगे उनकी, वो बाहर आ जाएंगे डिप्रेशन से बिना किसी कॉस्ट के। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे जल्दी मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।
आपकी नजर में कोई और टॉपिक हो जो साइकोलॉजिकल रिलेटेड हो, आपके वेलनेस रिलेटेड हो, प्लीज शेयर करें, हम उस पर भी वीडियो बना के आपको जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।